हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी मेरी ये देख ही रहे हैं शक्ल वगैरह, तो ये मैं अपने फ़ोन से बना रही हूँ। मुझे अमेजोन से ये फ़ोन प्राप्त हुआ है, मतलब मिला है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यदि आप ऑनलाइन शॉपिंग लेते हो आपका हर बार एक्सपीरियंस अच्छा ही रहता है। जैसे कि अभी मैंने ये फ़ोन लिया, मुझे ये शुरू में ही फ़ोन ख़राब मिल गया था एंड मैंने बार बार कंपनी को भी बताया, अमेजोन कंपनी को बताया है बार बार मैंने अपने इस प्रॉब्लम के बारे में। तो कंपनी ने कहा कि ब्लैंको ऐप से आपका सर्च करेंगे, ब्लैंको ऐप से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दी, ठीक है, जो कि करते हैं वो। और फिर उन्होंने टेक्नीशियन भेजा, टेक्नीशियन भी कोई सही सा नहीं था। लेकिन फिर बाद में मतलब जब मैंने फ़ोन खरीदा था उसके 7 दिन बाद ही मैं इनके सेंटर पे गई। सेंटर ने कहा आपका कैमरा ख़राब है, ठीक है, कैमरा उन्होंने रिप्लेस किया। फिर मैंने कंपनी को बताया तो कंपनी ने कहा कि हम रिटर्न पिकअप नहीं कर सकते बिकॉज मतलब हमें नहीं लगता कि ख़राब है, जबकि मैंने उनको भेज दिया था, वो स्लिप भेज दी थी कि भाई मतलब कैमरा ख़राब है, कंपनी भी कह रही है, ठीक है, उनके सेंटर वाले भी कह रहे हैं। तो आप यदि सोचते हैं कि ऑनलाइन एक्सपीरियंस हमेशा अच्छा रहता है, ऐसा नहीं होता। वैसे देखा जाए तो ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन फ़ोन लो, बेकार दोनों जगह से निकल जाते हैं। और इसमें सबसे सही यही रहता है कि यदि आपको भी ऐसी ऐसी समस्या नहीं फेस करनी, तो शुरू में ही फ़ोन को डैमेज बता दिया जाए, ताकि कम से कम ये होगा कि आपका फ़ोन समय पर रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, या रिटर्न पिकअप हो जाएगा। मे भी कभी कभार हम जैसे कोई भी, जैसे कि मुझे भी नॉलेज नहीं थी, मैंने भी ये गलती करी कि मैंने लिखा कि इसमें मिसिंग इजेक्ट सिम था, मतलब इसका इजेक्ट सिम मिसिंग था, ठीक है। तो साथ में मतलब चलो इतना तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन फिर मुझे जो कमी पाई, कैमरा की प्रॉब्लम है, बीच बीच में ऑटो डिस्कनेक्ट फ़ोन हो जाता है, ठीक है, इस तरह काफ़ी इसमें प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो कैमरा ब्लर आता है, वीडियो इसमें ब्लर होती है, ओवर हीट हो जाता है मेरा फ़ोन, काफ़ी इसमें इस तरह की प्रॉब्लम शुरू के दिन से, या मैंने ये बात कंपनी को बता दी थी। तो ये कमी वैसे तो देखा जाए तो आम, जब यदि आप स्टोर से लेके आते तो तब भी निकल जाते हैं। मेरे साथ पहले भी हुआ था ये, बहुत पहले, कम से 5-6 साल पहले मैंने एक फ़ोन और लिया था, उसमें भी ऐसी प्रॉब्लम थी। तो यदि आपके शुरू में ऐसी कोई कमी निकल जाए, तो शुरू में ही आप कंपनी को, ये तो आप कंज्यूमर फॉर्म में जा सकते हैं, उस यही आपके पास एक निपटारे का साधन है। या आप शुरू में ही जो मतलब फ़ोन लेते हो उसको पहले दिन ही अच्छी तरीके से चेक कर लो, और चेक करके मतलब किसी को दिखा दो, किसी सेंटर पे, सेंटर पे जैसे कि आपके आसपास कोई फ़ोन वगैरह है, मतलब जो चेक करते हैं, तो आप उनको दिखा सकते हो, खुलवाना नया फ़ोन, क्योंकि खुलवाओगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है, आप उनको वैसे चेक करवा सकते हो। और यदि आपको कोई फ़ोन में कमी निकल जाए तो शुरू में ही 2 दिन में ही अपना फ़ोन जो आपका ऑनलाइन है रिटर्न करवा दो, नहीं तो बाद में आप रिटर्न करवाते हो तो काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है। कंपनी रिप्लेस करते हो, रिटर्न पिकअप करते हो, काफ़ी मतलब प्रॉब्लम देती है। मैंने ये फ़ोन अमेजोन से लिया है, मुझे काफ़ी ये फ़ोन ख़राब मिला है, इतना ज़्यादा ख़राब मिला है, ऑटो डिस्कनेक्ट फ़ोन हो जाता है कभी, मतलब कैमरा ख़राब होता है, ओवर हीट होता है, देखिए मेरा काफ़ी इसमें फेस भी काफ़ी देखिए कैसा कैसा मतलब आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह मेरी जो भी इसमें मतलब काफ़ी मैं इस तरह की समस्या फेस कर रही हूँ अपने फ़ोन के साथ, जबकि मैंने ये फ़ोन महंगा ही लिया है, 9,000 का इसका कुछ अमाउंट है, तो इतना कम भी नहीं है। ये रेडमी का फ़ोन है ये, ठीक है, रेडमी नोट 8A है, ठीक है, काफ़ी बेकार सा फ़ोन है एंड मैं काफ़ी उससे समस्या फेस कर रही हूँ। इस तरह जो भी कंपनी एक और भी प्रॉब्लम देती है, जैसे कि नॉन रिटर्नेबल जो प्रोडक्ट होते हैं, तो कोशिश करिए जो नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट हैं वो तो बाहर से ही लें, क्योंकि एक लोकल शॉप से वो सस्ते ही मिल जाते हैं। यदि आपको हाँ ऑनलाइन सस्ते मिल रहे हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन यदि ऑनलाइन ज़्यादा महंगे मिल रहे हैं तो नॉन रिटर्नेबल जो प्रोडक्ट हैं बाहर से ही लें, क्योंकि कंपनी कभी कभार कहती है कि नहीं, डैमेज नहीं प्राप्त हुआ होगा आपको, ऐसा है वैसा है। मैंने एक पेंट का डिब्बा और लिया था, वो ख़राब निकला था, और पहले कंपनी ने लिखा होता कि वो रिटर्न कर सकते हो, तभी मैंने वो पेंट का डिब्बा लिया था, लेकिन वो बाद में वो पेंट का डिब्बा भी खराब निकला एंड फिर कहते हैं साथ में वेबसाइट पे पहले जो लिखा होता कि रिटर्न कर सकते हैं, मैं जब रिटर्न बंद करने की कोशिश करी तो रिटर्न भी नहीं हुआ मेरा। तो इस तरह मुझे काफ़ी समस्या का फेस करना पड़ा। तो आप भी यदि कोई प्रोडक्ट लेने की सोच रहे हैं तो आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ना लें, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट होते हैं फ़ोन वगैरह, कंपनी पिकअप नहीं करती, रिप्लेस नहीं करती, नॉन रिटर्नेबल सामान कभी कभी कभार रिफंड कर देती, कभी कभार नहीं करती। तो मेरी हिदायत यही रहेगी कि आप अमेजोन से जो नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट हैं, लैपटॉप हैं, फ़ोन है, वो ना लें, क्योंकि यदि आप लेंगे तो कंपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाती। और आपका यदि कंज्यूमर कोर्ट में भी आप जाएं या आप किसी उनको मैसेज भी करते रहें, तो इस प्रक्रिया में भी काफ़ी समय लग जाता है, इतने तक आपको प्रोडक्ट फेस करना पड़ता है। तो मेरी हिदायत यही रहेगी कि आप ना ही लें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस काफ़ी बेकार गया।
तो इस तरह मैंने और लोगों का भी देखा है, नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट में करते हैं, साथ में लैपटॉप और गैजेट ये जो होते हैं, ये फोन वगैरह, तो इसमें कभी कभार कंपनी रिटर्न पिकअप कर भी लेती है, कभी कभार बहुत रुलाती है, बहुत ज़्यादा रुलाती है। तो मैं भी काफ़ी रो रही हूँ उस फ़ोन को यूज करके। देखिए काफ़ी ये ज़्यादा, देखिए काफ़ी पैची पैची मेरी स्किन आ रही है, कभी साफ आता है कभी पैची स्किन आती है, ऐसा आता है जैसे कि पता नहीं क्या, पता ना कैसा मेरा फेस है, पता नहीं कैसा। ठीक है, तो ऐसे मतलब करके आपको काफ़ी समस्या का फेस करना पड़ता है। तो आई सजेस्ट यू नॉट बाय एनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट फ्रॉम अमेजोन, एंड नॉट बाय फ्रॉम अमेजोन, मतलब नॉन रिटर्नएबल जो प्रोडक्ट है प्लीज़ डोंट बाय फ्रॉम अमेजोन। तो मेरा ये ऑनेस्ट रिव्यू है आपके साथ, क्योंकि मैंने अपनी जैसे मैं बैठी थी मैंने वैसे ही आपके साथ ये फेस कैम किया, क्योंकि मैं चाहती थी कि आपको दिखाई दे कि कैसा कैमरा क्वालिटी, कितना ख़राब है इनका। मैंने दो बार ये मतलब एक बार ये कैमरा बदलवा भी चुकी हूँ इनसे, इनके सेंटर पे जाके, दूसरी बार भी जाके मैं जा चुकी हूँ सेंटर पे, मैंने दोबारा से सारी प्रॉब्लम दिखाई है कि ऑटो डिस्कनेक्ट फ़ोन क्यों होता है। वो कहते हैं कि आपका सिम ख़राब होगा, फिर कहते हैं पता नहीं क्यों ये फ़ोन ब्लर है, पता नहीं क्यों, लेकिन क्यों है या क्या वो आपकी दिक्कत है, आप इसको सही करिए। लेकिन ना ही रेडमी ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, ना ही अमेजोन ने ली। तो मुझे ये बेकार सा सड़ा सा फ़ोन है, कचरे वाला जो फ़ोन है, मुझे इसको यूज करना पड़ रहा है, और मैं काफ़ी दुखी हूँ इस बात से कि मुझे कचरे वाले फ़ोन को यूज करना पड़ रहा है, जो ऑटो डिस्कनेक्ट हो जाता है, ओवर हीट होता रहता है, कैमरा ब्लर है, वीडियोस में बनते बनते बीच में बंद हो जाती है। ठीक है, तो काफ़ी बेकार फ़ोन है, एंड काफ़ी मुझे बेकार सर्विस लगी अमेजोन की। तो अमेजोन से रिलेटेड मेरा ये रिव्यू है, एंड आपकी भी यदि कोई और रिव्यू तो आप भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं।